लॉन्चर्स बहुत सारे अवेलेबल है प्ले स्टोर के अंदर, लेकिन कुछ लॉन्चर्स जो है ते दिल को छू जाते हैं और आपके फोन को एक न्यू सा लुक दे पाते हैं। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो। ऐसा ही कुछ दिल छू जाने वाला लॉन्चर लगा मुझे ये TSF लॉन्चर, जहाँ पे जो आपको 3D लुक में, 3D व्यू में, 3D एनिमेशन के साथ ये क्लॉक मिलता है, जो कि दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है, जिसे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप इसकी प्रेफरेंस में जाते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड या फिर स्लाइडिंग मोड आपको सेट करने का ऑप्शन मिलता है। लॉन्ग प्रेस करते होम स्क्रीन पे तो नीचे से आपको स्लाइडिंग स्वाइपिंग इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पे आइकन पैक्स को अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइकन अवेलेबल नहीं है। लॉन्ग टैप करते तो मल्टीटास्किंग और इस टाइप के डॉक प्रेफरेंस, इन सभी चीजों को सेट करने का ऑप्शन मिलता है। बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये लॉन्चर जो है बहुत ही कमाल का है। बाकी बात करें नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में, जिसका नाम है बोल्ट लॉन्चर। तो दोस्तों ये लॉन्चर का व्यू तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन गाइस यहाँ पे जो कमाल की चीज इसकी है, इसकी कैटेगराइजेशन, इसने फोल्डर वाइज जो है आपके सभी एप्लीकेशंस को कैटेगराइज कर रहा है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ ऑनलाइन गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। टॉप पे आपको थीम्स, वॉलपेपर और जस्ट क्लीनर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को जो ऐप ड्रॉअर के अंदर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली भी सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स आपको मैंने बता दिए यहाँ पे इस लॉन्चर के बारे में। बाकी अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं किसी एप्लीकेशन पे तो डायरेक्टली उसे रिमूव करने का ऑप्शन आता है। बाकी आपको जो यहाँ पे मोर एप्स, वॉलपेपर्स, थीम्स, इन सभी का ऑप्शन मिलता है। डेस्कटॉप सेटिंग्स में जाते हैं तो गाइस आपको आइकन साइज कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। लॉन्चर सेटिंग्स में जाते हैं तो डेस्कटॉप सेटिंग, ऐप लॉक, नोटिफिकेशन पिनर, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यार ये जो लॉन्चर है ये भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बाकी आपको लिंक नीचे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स भी देखने को मिल जाती है, जो थीम्स आपको अच्छी लगी उसे आप एक बार जरूर अप्लाई करें। बाकी बात करें नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में, इसका नाम है बबल लॉन्चर। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही कमाल का व्यू मिलता है इस बबल लॉन्चर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही बबल से तरीकों से जो है यहाँ पे सारे आइकन जो आपके होम स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, किसी भी अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रख देते तो सारे कस्टमाइजेशन मोड में आ गए। यहाँ पे आपको टॉप पे सेटिंग्स, इसे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है, हाइड करने का ऑप्शन मिलता है, ये कुछ चीजें आपको एडिट करने को मिल जाती है। बाकी हिडन एप्स, थीम्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। तो गाइस दो तीन थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप इसके प्रीमियम वर्जन बाय करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो सेकंड थीम है वो आपको कुछ इस टाइप का व्यू देगी। बाकी डिफॉल्ट जो थीम यहाँ पे सेट है पहले से ही डिफॉल्ट वे में, वो थीम जो है मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल का लगा। बाकी आप भी इसे ट्राई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर iOS लॉन्चर। जैसे आपको पता चल गया होगा बिल्कुल ही एप्पल का व्यू वाला ये लॉन्चर आपको टोटली एप्पल वाला लुक दे देगा। तो गाइस इसके एप्लीकेशंस वाले आइकन, होम स्क्रीन, वॉलपेपर्स, सब कुछ जो है यहाँ पर आईफोन जैसा ही लग रहा है। लॉन्ग प्रेस करते हैं जैसे एप्लीकेशन, जैसे ऑप्शन आईफोन्स में आते हैं वैसे ही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। बाकी बात करिए इस लॉन्चर की तो गाइस यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हैं तो गाइस जहाँ पे भी आपको बिल्कुल ही ड्रॉअर जैसा ही आपको यहाँ पे एप्पल जैसा ही आपको नोटिफिकेशन पैनल भी मिल जाता है, जहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर टॉर्च को जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कैलकुलेटर का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। बाकी iOS के लॉन्चर के सेटिंग्स में जाते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाता है कुछ वेदर को सेट करने का, कंट्रोल सेंटर को सेट करने का, असिस्टिव टच को भी सेट करने का। तो गाइस ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको iOS बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन पैसे नहीं आईफोन लेने के, तो आप इस लॉन्चर को अपने फोन में जरूर एक बार ट्राई करके देखें। बाकी बात करें लास्ट लॉन्चर के बारे में, जिसका नाम है लीना लॉन्चर। तो गाइस ये जो है आपको एक डेस्कटॉप वाला व्यू देता है आपको फोन को। लाइक अगर आपको कंप्यूटर चलाना बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन आपके घर पे नहीं है तो आप इस लॉन्चर की मदद से इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बिल्कुल ही विंडो की तरह ही आप यहाँ पे बहुत सारे पेजेस खोल सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ ओपन कर सकते हैं। बाकी फाइल मैनेजर भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ही विंडो जैसे फाइल मैनेजर की तरह ही देखने को मिलेगा। तो गाइस आप यहाँ पे इसे जूम भी कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं। ब्राउजर भी आपको यहाँ पे टोटली विंडो जैसा ही व्यू में आपको देखने को मिला, जैसे कि आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इधर उधर कर भी सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एक साथ जो आप यहाँ पे दो चार विंडो ओपन करके जो है यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दो तीन जो है विंडो ओपन कर लिया। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है आपको टोटली आपके फोन में बिल्कुल ही विंडो वाला इफेक्ट मिलता है। बाकी यहाँ पे ये जो
एप्लीकेशन है, लॉन्चर है, ये बहुत ज़्यादा हैंग भी नहीं करता है, बहुत ही कमाल, बहुत ही स्मूथ वे में चलता है। तो गाइस कुछ इस टाइप की है ये लॉन्चर, जो कि आपके फ़ोन को एक कमाल का यूनिक सा व्यू दे देता है, लुक दे देता है। बाकी आप सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाके कुछ चीज़ों को यहाँ पे इनेबल, कुछ चीज़ों को डिसेबल भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस बार को इनेबल करना है नहीं करना है, सिस्टम वॉलपेपर को अप्लाई करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप की थी हमारी वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया 5 लॉन्चर्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर घंटे को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।